तो अभी मैं इस प्लग में डाल रहा हूँ इसको, और देखते हैं अभी ये कूलर चालू होगा कि नहीं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर रियली डूइंग गुड। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी रोल व्लॉग्स। तो चलिए आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। पर गाइज व्लॉग को शुरू करने से पहले एक बार बता देना चाहता हूँ कि अभी बज रहे हैं शाम के तो नहीं बोल सकूंगा गाइज, अभी बज रहे हैं रात के 9:45। और इतनी लेट तो कभी भी गाइज मैं वीडियो शूट नहीं करता, पर आज इतनी लेट वीडियो शूट करने का क्या कारण है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और गाइज आज की वीडियो के टॉपिक की बात कर ली जाए तो बेसिकली मैं इतनी रात को तो कभी वीडियो बनाता नहीं हूँ और अभी तो अपन किधर बाहर जाने वाले नहीं है। पर गाइज कुछ कारण की वजह से मुझे ऐसा लगा कि आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना लूँ, बिकॉज कभी ना कभी अगर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी बातें हो गई तो आपको भी कुछ मदद हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि अभी ये वीडियो बनाओ। तो गाइज अगर बात कर ली जाए वीडियो के टॉपिक की, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो लोग नागपुर में रहते होंगे, नागपुर की जो ठंडी है और नागपुर की जो गर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। मतलब ठंडी के टाइम में बहुत कड़ाके की ठंड और गर्मी के टाइम में बहुत कड़ाके की गर्मी। तो अभी जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी अक्टूबर चालू है और अक्टूबर महीने में भी अपन को इतनी गर्मी लग रही है गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकता। यूजुअली गाइस 3-4 महीने गर्मियों का मौसम रहता है, पर अभी इस सिचुएशन में और कोविड की सिचुएशन में तो मैं बता देना चाहता हूँ गाइस कि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है अपन को और नागपुर में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बिकॉज हर जगह पर रोड का काम चल रहा है, मेट्रोज का काम चल रहा है और हर जगह पर आपने अगर नोटिस किया होगा नागपुर में तो हर जगह पर गाइस सीमेंट के रोड बना रहे हैं, जिस कारण जो पानी है वो जमीन में जा ही नहीं रहा। पर गाइस वो पानी ना जाने के कारण जो है वो अपन को डिसएडवांटेज गर्मी के रूप में देखने को मिल सकते हैं और नागपुर का पोल्यूशन वगैरह तो दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहा है गाइस। अपन फैन में तो रह नहीं सकते, अपन को यूजुअली एसी या फिर कूलर तो चाहिए ही चाहिए। गाइस मेरे घर में एसी वगैरह तो नहीं है, तो बात कर ली जाए कूलर की तो कूलर कुछ 2 महीने पहले ही हमने बंद कर दिया था, पर गाइस बढ़ती गर्मी के कारण कूलर फिर से चालू कर दिया है। और कूलर जो है वो पानी डाल के अभी यूज नहीं करते, बस उसका जो फैन है वो ऑन रखते हैं। तो गाइस अभी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई है कूलर की, कूलर जो है वो पूरा प्रॉपर चल रहा है पर जो उसकी पिन 3 जो है वो टूट गई है। अभी फाइनली बजने को आ चुके हैं 10, तो अभी मैं 3 पिन बदलाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि कैसे बदलाते हैं 3 पिन को। गाइज ये जो कूलर का वायर है इसको तो छील लिया है मैंने, पर गाइज अपन कोई इलेक्ट्रिशियन वगैरह तो नहीं है, तो गाइज अपन को कुछ कौन सा वायर किस साइड में लगाना है गाइज अपन को तो पता नहीं। तो मैंने फिर सर्च करना चालू कर दिया कि 3 पिन को कैसे लगाना जाए, तो मैं गाइज फिर यूट्यूब पे देखा। तो गाइज फिर यूट्यूब पे देखने के बाद पता चला कि गाइज ये जो दिखने में जो 3 पिन है वो तो अपन को मामूली सी लगती है, बस 3 वायर जोड़ दो और फिर काम कर दो, पर असल में अगर अपन ने एक भी वायर गलत लगाया तो गाइस कूलर शॉर्ट हो सकता है या फिर कूलर की जो मोटर वगैरह है वो सारी जल सकती है। तो अभी गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा वायर किस साइड में लगाना है। अगर किसी कारण अगर आपके घर में भी कभी 3 पिन से संबंधित कौन सी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर खराब हो जाए तो आपको ये वीडियो काम में आएगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको मेरे सामने कुछ ये 3 वायर देखने को मिल सकती है, रेड, ग्रीन और ब्लैक। अगर इसको अपन ने कौन से भी प्लग में डाल दिया, इसमें से कौन से भी अगर अपने प्लग में डाल दिया जो अगर गाइज आपको पता नहीं होगा तो इसके कारण बहुत बड़ा शॉर्ट हो सकता है या फिर आपका कूलर की जो मोटर है वो सारी जल सकती है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ लेफ्ट, ये जो लाल कलर का वायर है आपको लेफ्ट साइड में लगाना है। इसके बाद ये जो ब्लैक कलर का वायर है गाइज, ये जो वायर है वो न्यूट्रल वायर है, इसको आपको इधर लगाना है राइट साइड में, देख सकते हो आप गाइज इधर आपको N दिखा भी होगा। और गाइज आपको ऊपर वाला जो वायर दिख रहा है ग्रीन कलर का वायर, इसे अपन ग्राउंड लेवल वायर बोलते हैं, तो इसको आपको ऊपर लगाना है। तो चलिए फटाफट से अपन फिट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि कूलर अपना अच्छे से चलता है कि नहीं चलता है। फाइनली गाइज अपन ने जो कूलर की जो पिन है वो लगा दिए, देख सकते हैं अभी आप, और अभी चेक करके देखते हैं कि अपना कूलर जो है चालू होगा कि नहीं,
क्या अपन ने वायर जो है गलत लगाई या फिर क्या होता है, अभी देखते हैं चालू करके। तो अभी मैं इस प्लग में डाल रहा हूँ इसको और देखते हैं अभी ये कूलर चालू होगा कि नहीं। अरे चालू नहीं हुआ। अरे यार क्या प्रॉब्लम आ गई है। A few moments later. अच्छा ऑफ करके रखा है गाइस, देख सकते हो। अच्छा ऑफ करके रखा है, अभी से चालू करके देखते हैं। अरे यार चालू हो गया है कूलर, जैसा कि अभी आप देख सकते हो, मस्त हवा चालू है। और गाइस रात के कुछ 10:15 बज चुके हैं और मिशन कूलर की पिन लगाना जो है वो अपना अभी कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि अभी आपने देख ही लिया है कि कूलर अपना जो है पूरा चालू हो चुका है, पूरा ओके। और गाइस मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप नागपुर में रहते हो और आपको कूलर लेना है तो आप राम कूलर का ही कूलर लेना, बिकॉज उसका कूलर जो है वो नंबर 1 है। तो मेरे घर में जितने भी कूलर है, आई थिंक एक 3-4 कूलर है, वो सारे कूलर जो है राम कूलर के, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, ये राम कूलर का लोगो है और मस्त यार कूलर है ये। और गाइज एक बात बता दूँ, ये वीडियो बिल्कुल भी राम कूलर की तरफ से स्पॉन्सर नहीं है, #NotSponsor। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ऑल राइट गाइज, आज का अपना काम जो है वो पूरा हो चुका है। और गाइज आप लोगों को तो पता ही है, मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ, साइकिलिंग को जाता हूँ, तो जल्दी जल्दी अभी मैं सो जाता हूँ और फिर सुबह सुबह मैं आपको मिलता हूँ साइकिलिंग को। कसका है नागपुर, गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। और गाइस जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि सारे बसेस वगैरह सब कुछ नागपुर में चालू हो गई है, जैसा कि अभी आप देख ही सकते हैं वीडियो में। और सारे लोग बिंदास घूम रहे हैं सुबह सुबह, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना वगैरह तो कुछ चालू ही नहीं है, मतलब सारी दुकानें हैं वो चालू हो गई है। और लोगों की भीड़ आप देख ही सकते हो गाइस कि कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। देर रुकने के बाद मैं निकल गया घर की ओर। वैसे इस जगह की बात कर ली जाए तो ये जो रोड है वो रोड अजनी रेलवे स्टेशन के पास है। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो अपने लेफ्ट साइड में कितने सारे लोगों की अपने को गाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मतलब नागपुर के लोगों की एक खास बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सुबह सुबह कोविड के सिचुएशन में भी वो लोग एक्सरसाइज करना नहीं भूले। ये बात मुझे नागपुर के लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है गाइस। और गाइस ये जो रोड है, ये रोड पे आपको सुबह सुबह बहुत से लोग जो पुलिस भर्ती में जाना चाहते हैं, जो पुलिस बनना चाहते हैं, यहाँ पे रोज सुबह सुबह आपको रनिंग करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, जॉगिंग करते हुए देखने को मिलेंगे। और गाइस आगे आने के बाद अगर आपने रोड की तरफ जरा ध्यान दिया तो रोड इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है कि मैं आपको अभी बता नहीं सकता। मतलब मेट्रो के पुल्स वगैरह वो सारे जो रास्ते के बीच में से जा रहे हैं वो इतना सुंदर दृश्य अपन को देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे सुबह सुबह साइकिलिंग करते फील आता है ना गाइस, वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो बस आप रोड इंजॉय करो। और आगे आगे लेफ्ट साइड में देखें तो नागपुर की सेंट्रल जेल अपन को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो फाइनली गाइस घर पे आ चुका हूँ। और घर पे आने के बाद कुछ 1-1.5 घंटा मैं सोने चला गया था और फाइनली अभी बज गए सुबह के 9:30। बस अभी मैं अपना चाय दूध वगैरह जो है सब कुछ फिनिश कर लेता हूँ, बाद में अपन थोड़ी बातें कर लेते हैं। वैसे चाय दूध तो मैं पीते रहूंगा, पर अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो प्लीज फॉलो कर देना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइज मैं नए नए कॉन्टेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि नागपुर में कौन सी जगह अपन घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कौन सी जगह, वो सारी जगह मेरी अभी घूमने की चाह रही है। वैसे मैं डेली व्लॉगिंग तो करता नहीं, हफ्ते में 1-3 वीडियोज वगैरह डालता हूँ,
और सोचता हूँ कि वीडियो अच्छा बने. अच्छा आई होप गाइस कि वीडियो अच्छा बनता ही होगा और आपको पसंद भी आता होगा. वैसे वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना. आई होप कि आपको ये आज का शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो पसंद आ रहा होगा. और गाइस अपने वीडियो के स्टार्टिंग में मतलब कल रात को देखा ही होगा कि मैंने कुछ थोड़ी इलेक्ट्रिशियन बनने की कोशिश की, तो वो गाइज मेरी डेली रूटीन से संबंधित ही सारी बातें हैं. मतलब गाइज आप लोगों को भी पता ही होगा कि ये पिन वगैरह सुधराना सारी नॉर्मल बातें हैं, ये तो सारे लोग अपने घर में करते ही होंगे. और गाइज आप लोगों के मन में ऐसा लग रहा होगा कि ये बंदा यार व्लॉगिंग कर रहा है और ये सारी बातें दिखा, तो गाइज मैं आपको बता दूं तो ये सारी बातें मेरी डेली लाइफ से ही तो संबंधित है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और इसलिए गाइज मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ. वैसे गाइज आपको इन सब में से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगा. अभी वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है क्योंकि गाइज अपना दूध और बिस्किट जो है वो ठंडा हो रहा है, तो बस गाइज वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है. बस गाइज लाइफ में कुछ भी हो जाए दिल पे हाथ रखने का और बोलने का, बिलीव योर सेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू. बाय. तो गाइस सोकर उठने के बाद ऐसा लगा कि बस गाइस अभी लेटे लेटे लेट ही जाऊं. हैं?